राजा दुष्यंत बन के अंदर आते हैं। सजनो, वह शकुंतला जो कणव ऋषि के आश्रय में रहती थी जवान हो जाती है, और जब वो राजा दुष्यंत उस कुएं के पास जाते हैं जहां शकुंतला पानी भर रही थी, तो दोनों के कैसे सवाल जवाब होते हैं, आइए कविराज ने क्या लिखा। रवि मेरे को प्यास लगी, थोड़ा पानी पिला दे। पानी पिला दूं? थोड़ा सा पानी पिला दे। आप कौन हो? मैं मेरा पता बता दूंगा, लेकिन पहले थोड़ा सा एक लोटा पानी का दे। देखिए, हाँ, मैं आपको ऐसे पानी नहीं पिला सकती, क्योंकि ना तो आपके साथ मेरी कोई जान ना पहचान। जब कोई भी परदेशी आता है, अच्छा, तो उसके लिए थोड़ा पानी तो होना चाहिए। नहीं, क्या कहना चाहते हैं? चला भाई चला। आवाज को ठीक करो हे संजय। हेलो हेलो हेलो, बीच में से धक्का लगाए थे। Ram 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 Ram
बड़ी करूर, मेरी नहीं आप करूर। हाँ, और दूसरी बात है, अगर कोई परदेसी आ जाना हाँ, तो मैं उसके साथ ज्यादा बातचीत नहीं करती। बातचीत नहीं करती? हाँ, आपको पता हो इस बात का? तो मैं महाराज कणा ऋषि की डेरी में रहती हूँ, और मेरा किसी परदेसी से कोई लेन देन नहीं। कोई लेन देन को बताइए क्या करना चाहिए। सुनिए मेरी बात, बताइए। Oh,
आप ये कह रहे हो ना कि मैं मानसू बड़ी दंत दौलत जागीर का मैंने नहीं चाहिए आपकी दंत दौलत जागीर दंत नहीं चाहिए खाना और कमाना अपनी तकदीर का होया करे तकदीर का और एक बात और बता दूं कौन सी बात जब कोई बेटी बहू बिरानी दिख भी जाना तो उसके ऊपर गंत निगाह नहीं रखते नहीं रखते इस बात में तेरी मदम से लेकिन जो परमात्मा ने तेरा रूप बना रखा है अच्छा बस की मेरे भी तो नहीं क्या हो गया बताऊंगा सभी जवानी दुर्बल